हेलो बच्चों बच्चों, आज हम करेंगे ट्रांजैक्शंस एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल के अंदर टॉपिक हमारे पास व्हाई कॉन्करेंसी कंट्रोल इज नीडेड। या कई बार ये आता है कि कॉन्करेंसी के या कॉन्करेंट जो ट्रांजैक्शन हम करते हैं उसके हमारे पास डिसएडवांटेजेस क्या है। तो कॉन्करेंसी तो हमने देख ली कि एक साथ दो या तीन ट्रांजैक्शंस के अंदर जो उनकी जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको साइमल्टेनियसली रन करना, बट उसके हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं उसे देखेंगे। तो वो क्या हमारे पास, देखो जब कॉन्करेंसी लीड्स टू सेवरल प्रॉब्लम, जब हमने कॉन्करेंसी करी तो हमें फायदे तो मिले, जो हमने पिछली वीडियो में देखा कि थ्रूपुट बढ़ गया या हमारे पास इसकी जो एफिशिएंसी बढ़ गई है या टाइमिंग जो थे रिस्पॉन्स के वेटिंग टाइम कम हो गया, बट ये कुछ प्रॉब्लम्स भी साथ में लेके आया, उसे डिस्कस करते हैं। तो कई सारी देखो छह प्रॉब्लम्स है हमारे पास, तो एक एक करके एक वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे क्योंकि उसका डायग्राम मुझे बनाना पड़ेगा, तो एक एक करके अच्छे से समझेंगे। पहली देखो, पहली मैं नाम बताता हूँ जो छह प्रॉब्लम्स है वो क्या है कि लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, डर्टी रीड प्रॉब्लम, थर्ड है हमारे पास अनकमिटेड डिपेंडेंसी प्रॉब्लम, फोर्थ हमारे पास अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम, देन इनकंसिस्टेंट एनालिसिस प्रॉब्लम, देन हमारे पास फैंटम रीड प्रॉब्लम। ओके गाइस, अब देखते हैं कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम्स है क्या। तो पहली प्रॉब्लम आज डिस्कस करेंगे लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम जो हमारे पास आती है कॉन्करेंसी की वजह से, वो क्या है। देखो ये क्या कहता है कि इफ एनी ट्रांजेक्शन टीजे, मान लो कोई ट्रांजेक्शन टीजे कुछ भी लगा लो, T1 या T2 कोई भी ट्रांजेक्शन मान लो, अपडेट्स एनी वेरिएबल ए, किसी वेरिएबल को अपडेट करती है यानी राइट करती है एट टाइम टी विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ ए एट टाइम टी, बट किसी टाइम पे एक ट्रांजेक्शन किसी वेरिएबल को अपडेट करती है, बट अपडेट करने से पहले वो ये चेक नहीं करती कि उसकी एग्जैक्टली क्या वैल्यू होनी चाहिए, तब उसको हम क्या कहते हैं कि ये जो हमारी प्रॉब्लम होती है लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं फिर अच्छे से क्लियर होगा। दो ट्रांजेक्शन है मेरे पास T1 एंड T2, ठीक है, और ये टाइमिंग है T1, T2, T3, T4, T5, T6, ठीक है, इसका कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग होगा, स्लॉट है ये टाइमिंग के। अब देखो एट टाइम T1 जो ट्रांजेक्शन 1 थी उसने क्या किया, रीड किया ए वेरिएबल को, ठीक है जी, ए की इनिशियल वैल्यू है मेरे पास 2500। ओके गाइस, तो ये इसको ऐसे लिख लेते हैं इसको समझने के लिए कि ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली में होगी क्या। देखो एट टाइम T1 ट्रांजेक्शन T1 ने क्या किया, रीड किया वेरिएबल ए को, ठीक है, तो हम मानते हैं कि भाई यहाँ पे इसने इसकी वैल्यू को रीड कर लिया 2500। ओके गाइस, देन T2 का जब टाइम आया तो क्या चीज़ चल रही है, ए के अकाउंट में से $500 जो भी लगाना चाहो वो सब्ट्रैक्ट हो गए, तो अब ए के अंदर क्या वैल्यू हो गई है, ए के अंदर वैल्यू हो गई है मेरे पास 2000 रुपीज, ठीक है। अब टाइम थ्री में, ठीक है, टाइम थ्री में रीड किया किसने, ट्रांजेक्शन टू ने, बट ट्रांजेक्शन टू क्या रीड कर रहा होगा, इसको रीड करेगा नहीं, वो किसको रीड करेगा, इस वाली वैल्यू को, क्यों, क्योंकि वो इसको रीड क्यों नहीं कर पा रहा, जब तक ये राइड नहीं होगी अपडेट नहीं होगी तब तक ट्रांजेक्शन टू उसकी अपडेटेड वैल्यू को रीड नहीं करेगा। तो यहाँ पर टाइम टू ट्रांजेक्शन टू ने क्या वैल्यू रीड करी है, जो उसकी इनिशियल वैल्यू थी 2500। अब टाइम फोर पे आ गए तो क्या हुआ, उसके अंदर 700 ऐड कर दिया, यहाँ पे कितने आ जाएंगे 2500 प्लस 700, ये सब अभी रीड के ही चल रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3200। ओके, अब जब टाइम आया T5 तो इसने इसकी वैल्यू को राइट किया, अब A की वैल्यू क्या हो गई है मेरे पास, यहाँ पे इसके लिए राइट हो चुकी है, जो कि क्या होगी एग्जैक्टली 200, यहां पे लिख दो राइट होने की वजह से, ठीक है। एंड यहां पे जब आए तो राइट किया किसने, ट्रांजेक्शन टू ने, भाई अब ट्रांजेक्शन टू क्या रीड करेगा, नहीं, रीड तो वो ऑलरेडी कर चुका है, तो उसने जो चेंजेस किए थे वो उसको राइट कर रहा है, तो यहां पे वो ए की वैल्यू को क्या कर रहा है 3200 कर रहा है। लास्ट में कौन सी वैल्यू राइट हुई है, ये वाली, तो डेटाबेस के अंदर रिफ्लेक्ट कौन सी करेगी 3200 वाली, कि भाई ये वैल्यू इसके अंदर अपडेट हो गई है, तो डेटाबेस के अंदर ये वैल्यू जाएगी 3200 एक अकाउंट में दिखाएगा फाइनली। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि जब इसने राइट किया तो क्या इसने देखा कि भैया इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, नहीं देखा, क्योंकि ये तो अपने रीड के हिसाब से चल रहा था, तो यहां पे क्या हुआ कि लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम आ गई कि इसने अपडेट तो किया बट इसने वैल्यू क्या होनी चाहिए थी उस टाइम पे वो नहीं देखा। हमारे हिसाब से वैल्यू होनी क्या चाहिए थी, एक चीज देखो कि अगर किसी के अकाउंट में 2500 है,
मैंने पहले 500 निकाल लिए तो बचे 2000 रुपए, यही होगा। देन 2000 के बाद मैं उसके अकाउंट में 700 डाल रहा हूं, तो क्या होना चाहिए अकाउंट में बैलेंस? 2700 अकाउंट में बैलेंस आना चाहिए टोटल नेट मिला के, बट आ क्या रहा आखिरी में 3200। क्यों आ रहा है? लॉस्ट अपडेट की प्रॉब्लम की वजह से, कि भाई एक ट्रांजैक्शन कोई भी किसी वेरिएबल को अपडेट जब कर रही है तो वो ये नहीं देख रही कि उसकी एग्जैक्टली वैल्यू उस टाइम होनी क्या चाहिए थी, वो तो अपनी ही जो उसकी स्टेटमेंट है वो उसके हिसाब से चल रही थी। तो ये प्रॉब्लम होती है हमारे पास कि लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम की, भैया एक ने तो अपडेट किया और दूसरे ने जब करने गया तो उसने उसके अपडेट को देखा ही नहीं, वो तो अपनी ही धुन में चल रहा था और आंसर हमें क्या किया निकाल के दे दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो गई है। ठीक है गाइज, तो ये था हमारे पास लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। सेकंड वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे डर्टी रीड प्रॉब्लम, जहां पे हम देखेंगे कुछ रीड गलत करने की वजह से या मल्टीपल रीड करने की जो भी चीज होगी कि वो क्या होता है जिससे हम क्या कहते हैं डर्टी रीड प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो वो करेंगे अगली वीडियो के अंदर। डर्टी रीड प्रॉब्लम ये क्या होती है इसे देखते हैं। देखो ये कहते हैं कि रीडिंग द डेटा वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल बिफोर कमिटिंग मे लीड टू डर्टी रीड प्रॉब्लम। अब ये कहता है कि एक ट्रांजेक्शन किसी वेरिएबल पे काम कर रहा था, ठीक है, अब कॉन्करेंटली हम उसको रन कर, दूसरी ट्रांजेक्शन आई और उसने रीड किया किसी डेटा वैल्यू को जो जिस पे पहले ट्रांजेक्शन पहले वाली काम कर रही थी, बट उस ट्रांजेक्शन ने उसको अभी कॉमिट नहीं किया, बट उससे पहले दूसरी ट्रांजेक्शन उसको रीड कर रही है, तब हम क्या कहेंगे कि डर्टी रीड प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है वहां पे। अब एग्जाम्पल देखते हैं समझ में आएगा कि डर्टी रीड प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या। देखो मेरे पास ट्रांजेक्शन T1 एंड T2, यहाँ पे वेरिएबल A पे काम हो रहा है, तो यहाँ पे देखो वो क्या कहता है कि A को रीड किया है ट्रांजेक्शन 1 ने, ठीक है, A की वैल्यू मान लो 600 है, अब A की वैल्यू उसमें से इसने 200 माइनस कर दी और A को राइट कर दिया, ठीक है, तो यानी कि अब इसमें से अगर मैं 200 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 400 आ गया, बट इसको राइट किया हुआ है, राइट का मतलब होता है कि अब कोई ट्रांजेक्शन इसको रीड करेगी तो उसको ये चीज दिखेगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्या चीज हुई है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन 2 का टाइम मिला उसको तो उसने रीड किया A को, ट्रांजेक्शन 2 क्या रीड करेगा यहाँ पे 400 ही रीड करेगा ना, यहाँ पे T1 जो T1 ने चेंजेस किया था वो उसको दिख रहे हैं, अब T2 जब कर रहा है तो उसको क्या दिखेगा A की वैल्यू क्या दिखेगी 400 ही दिखेगी, अब 400 के अंदर उसने 600 ऐड कर दिए और क्या कर दिया उसको 1000 कर दिया, अब उसने क्या किया यहां पे राइट करा A को राइट किया, तो मतलब अब A के अंदर क्या वैल्यू सबको दिखेगी चाहे कोई भी रीड करे या राइट करे, A की वैल्यू 1000 हो गई है, ठीक है जी, यहां तक तो मेरे डेटा कंसिस्टेंट था, बट क्या हुआ आगे जब T1 के अंदर और भी ट्रांजेक्शन थी, वो किसी और वेरिएबल B को भी रीड कर रहा था या नहीं कर रहा था कोई बात नहीं, बट आगे जाके क्या हुआ फेलियर आ गया, कोई भाई अब कुछ कोई भी क्रैश हो गया, सिस्टम क्रैश हो गया, सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया, कोई भी फेलियर आ गया, एरर आ गया, तो एटॉमिसिटी क्या कहती है कि जब भी फेलियर आ जाए तो हमें क्या करना है या तो ट्रांजेक्शन पूरी एग्जीक्यूट हो या कुछ भी ना हो, तो ये क्या करेगा कमिट तो हुआ नहीं था ना यहाँ पे, कमिट तो होने से पहले ही फेलियर आ गया, तो ये क्या करेगा रोल बैक करेगा कि जहां से हम स्टार्ट हुए थे वहीं पे आ जाएंगे, भैया इसको ट्रांजेक्शन को खत्म करो, तो भैया T1 कहां पे आ जाएगा वापसी वहीं पे आ जाएगा जहां से स्टार्ट हुआ था, कहां से स्टार्ट हुआ था T1 जहां पे उसकी वैल्यू थी A की 600। अब यहां पे क्या हुआ इनकंसिस्टेंसी आ गई, T2 तो दिखा रहा 1000 और T1 दिखा रहा 600, क्यों, क्योंकि भैया जो आगे जाके उसने उसकी वैल्यू को यूज किया बिना कमिट किए, इसने अपनी वैल्यू राइट की वैल्यू को कमिट तो किया नहीं था, बट उससे पहले इसने यूज कर लिया उसको अपडेट कर लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ डर्टी रीड प्रॉब्लम आ गई, गलत रीड करने की वजह से बिना कमिट किए बिना हमने उसको रीड कर रहे हैं यहाँ पे, ये प्रॉब्लम है मेरे यहाँ पे डर्टी रीड प्रॉब्लम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर कमिट होता तो मैं क्या कहता हाँ ये जो चेंजेस अब डेटा बेस में हो चुके, अब चाहे कोई भी एरर आए ये चीज तो यहीं पे रहेगी परसिस्टेंट करेगी, बट वो चीज नहीं हुई थी, इसकी वजह से गलत रीड हुआ। अब रीड गलत नहीं हुआ, हम ये नहीं कह रहे रीड गलत हुआ, हम यहाँ पे क्या कहेंगे डायरेक्टली रीड हो गया, किस सेंस में कि भाई आगे जाके अगर ये फेलियर आता है तो हमारे लिए इनकंसिस्टेंसी आई, अगर ये फेलियर ही नहीं आता मान लो तब तो फिर तो हम सही चल रहे थे कि जो वैल्यू होनी चाहिए थी ठीक थी, ये यहाँ पे आगे कमिट करता तो कोई दिक्कत नहीं थी, डर्टी रीड वाली प्रॉब्लम ही नहीं आती थी, चाहे यहीं पे आगे करता, बट ये आगे जाके फेलियर आया किसी की रीड या राइट होने से पहले फेलियर आ गया तो वो दिक्कत होती है, तो ये होती है डर्टी रीड प्रॉब्लम। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारे पास सेकेंड प्रॉब्लम जो कॉन्करेंसी या कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन जब हम परफॉर्म करते हैं उसमें आती है।
नेक्स्ट में हम करेंगे अनकमिटेड डिपेंडेंसी प्रॉब्लम कि ये क्या है, इसे देखेंगे एग्जैक्टली क्या ये प्रॉब्लम लेके आई है। देखिएगा गाइस, तो ये होगी हमारी सेकंड प्रॉब्लम। अगले वीडियो में देखेंगे अनकमिटेड डिपेंडेंसी प्रॉब्लम, ठीक है। हम स्टडी करेंगे हमारी जो थर्ड प्रॉब्लम आती है जो कॉन्करेंसी की वजह, जिसका नाम है अनकमिटेड डिपेंडेंसी प्रॉब्लम, उसको देखते हैं। तो प्रॉब्लम से पहले मैं बता दूं, जो हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम थी डर्टी रीड प्रॉब्लम और जो थर्ड प्रॉब्लम है अनकमिटेड डिपेंडेंसी प्रॉब्लम, ये समवेयर एक ही वजह से अराइज होती है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, उसे देखते हैं क्या चीज है। ये कहती है कि दिस प्रॉब्लम अराइजेज इफ एनी ट्रांजेक्शन टी जे अपडेट्स एनी वेरिएबल वी एंड अलाउज आर और डब्ल्यू। ये कहता है ट्रांजेक्शन है टी जे जो कि क्या कर रही है, वेरिएबल वी पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है, कर लिया उसने, चाहे अपडेट का ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है, एंड अलाउज आर और डब्ल्यू यानी रीड और राइट ऑपरेशन को अलाउ कर रही है वेरिएबल वी पे बाय किसी अदर ट्रांजेक्शन के थ्रू, बट टीजे रोल्ड बैक ड्यू टू फेलियर। बट टीजे क्या हो गया, रोल्ड बैक हो गया, तब हम क्या कहेंगे, ये द अनकमिटेड डिपेंडेंसी प्रॉब्लम अराइज हो गई है। दो एग्जाम्पल समझते हैं, वो क्या कहता है, टी वन है और टी टू है, तो सबसे पहले कौन परफॉर्म हो रहा है, टी टू हो रहा है, उसने कोई वेरिएबल है जिसको रीड किया होगा, देन राइट किया होगा, हम राइट पे आते हैं, अपडेट कर दिया इसकी वैल्यू को वेरिएबल वी को, देन उसके बाद क्या हुआ कि ये आया मेरे पास ट्रांजेक्शन टी वन, ये अपडेटेड वैल्यू है यहाँ पे आ गई है, तो ये क्या कर रहा है, अब इस वेरिएबल को रीड कर रहा है या कुछ राइट कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर रहा है, देन सीपीयू ट्रांसफर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आके क्या हुआ, फेलियर हो गया, फेलियर होने की वजह से ये रोल बैक हो गया, रोल बैक की वजह से इसने जो वैल्यू अपडेट की थी वो खत्म कर दिया, बिल्कुल स्टार्टिंग पे चला गया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसने चलो खत्म कर दिया एटॉमिसिटी में से, यहाँ पे क्या होगा, वो सपोज लो कोई रीड कर रहा ऑपरेशन और आगे जाके और चीज़ों को परफॉर्म करेगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारे पास प्रॉब्लम हो जाएगी। रोल डर्टी रीड में क्या था कि दोनों ने अपडेट कर दी थी बट फिर वो रोल बैक हो गया था एक, बट यहाँ पे क्या रीड भी हो सकता है राइट भी हो सकता है, दिखने में दोनों सेम ही है, वहां पे भी हम चलो मान लेते हैं कि रीड भी होता तब भी दिक्कत आती, बट ठीक है दोनों समवेयर एक ही है बात समझने के हिसाब से, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है वही कि रोल बैक हो गया, कमिटेड होना जरूरी था, अगर कमिटेड नहीं होता तो भैया फिर तो दिक्कत है ही है, अगर कमिटेड हो जाता तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती, फिर तो उसकी अपडेटेड वैल्यू को वो लेके चलता चलता, ठीक है, तो कमिटेड यहाँ पे आता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, अनकमिटेड डिपेंडेंसी हो गई है, मतलब कमिटेड नहीं हुआ, अनकमिटेड की वजह से इस पर डिपेंड तो हो गया है बट वो प्रॉब्लम क्रिएट कर गया, ठीक है। रोल बैक भी और जो डर्टी रीड है वो भी सेम ही है, तो अगर आप चाहो पेपर में तो दोनों को एक ही कंसीडर कर लेना, अलग अलग मत लिखना, एक ही बात है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास अनकमिटेड डिपेंडेंसी प्रॉब्लम क्या थी, ये हो गई है। बच्चों अब हम करेंगे इसकी फोर्थ प्रॉब्लम जो कॉन्करेंसी की वजह से आती है, जिसे हम कहते हैं अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम। ये कैसे समझते हैं, देखो ये कहता है कि इट अकर्स व्हेन अ ट्रांजेक्शन ट्राइज टू रीड द वैल्यू ऑफ द डेटा आइटम ट्वाइस। ये कहता है कोई ट्रांजेक्शन है और वो किसी डेटा आइटम की वैल्यू को रीड करने की कोशिश कर रहा है दो बार, ठीक है, एंड अनदर ट्रांजेक्शन अपडेट द सेम डेटा इन द आइटम इन बिटवीन द टू रीड्स, बट दूसरी ट्रांजेक्शन क्या है, उस डेटा आइटम की वैल्यू को अपडेट कर देती है दो रीड के बीच में, ठीक है, पहली रीड हुई फिर दूसरी ट्रांजेक्शन के पास गया उसने अपडेट कर दी, फिर पहले वाली ट्रांजेक्शन के पास गया उसने दोबारा से रीड करी, तो इससे क्या होता है कि हमारे पास अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसे देखते क्या चीज है, ट्रांजेक्शन है टी वन टी टू, अब देखो टी वन ने क्या किया, रीड किया वेरिएबल ए को, ठीक है जी, देन टी टू के पास गए, टी टू ने रीड किया ए को, ए की वैल्यू को उसके अंदर 200 कर दिया, लेट कर लेते हैं ए की वैल्यू है हमारे पास 600, अभी देखना चीज आपको क्या पता चलेगी, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 ऐड हो जाएगा उसके अंदर तो वो हो जाएगा 800, ठीक है। डब्ल्यू के पास गए, डब्ल्यू सॉरी इसके पास गए तो इसने क्या राइट कर दिया, तो ये वैल्यू अब दिखेगी किसको, इसको दिखेगी, अब यहां पे आए, अब ये रीड कर रहा है ए, यहां पे वैल्यू थी 600, ये रीड क्या करेगा ये वाली वैल्यू को, तो यहां पे इसको क्या मिलेगा 800। अब इसने रीड किया बी को अगले में, बी की वैल्यू मान लो कितनी है हमारे पास 700 है मान लो, ठीक है, बी को रीड किया, देन बी के अंदर क्या किया, ए का सारा अमाउंट जो था वो डाल दिया, तो यानी 700 + 800 कर दिया विच इज इक्वल टू 1500, ठीक है, बी के अंदर क्या गया 1500, ओके गाइस, तो बी हमारा फाइनली क्या हो गया 1500। अगर देखा जाए कंसिस्टेंसी है
बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे होनी वही चाहिए थी कि भैया पहले अमाउंट 600 था, किसी ने 200 ऐड करके 800 कर दिया और बी के अकाउंट में 700 थे, तो ये चीज आनी चाहिए, कंसिस्टेंसी तो बिल्कुल ठीक है। बट यहाँ पे आइसोलेशन जो प्रॉपर्टी थी हमारे पास, एसेट प्रॉपर्टी जो हम कहते हैं उसकी, वो क्या कहती है क्या कि भैया एक ट्रांजेक्शन को पता नहीं चलना चाहिए दूसरे ने क्या किया है, तो इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये यहाँ पे सोच के बैठा था कि मेरे पास तो 600 वैल्यू है, बट दूसरे उसमें देखा कि ये 800 कैसे हो गई, तो ये यहाँ पे क्या हुआ, दिक्कत होगी कि भैया ये अनरिपीटेबल रीड है, कि दो बार रीड करने की वजह से प्रॉब्लम आई कि पहले 600 मिल रही थी, फिर जो ट्रांजेक्शन किसी और के पास गई उसमें कोई चेंजेस कर दिया, तो इसको रिफ्लेक्ट हुए, बट यहाँ पे जो आइसोलेशन वाला जो पॉइंट था प्रॉपर्टी वो ब्रेक हो गई है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम। ओके गाइस, हेलो बच्चों, बच्चों अब हम देखेंगे जो फिफ्थ प्रॉब्लम आती है कॉन्करेंसी की वजह, जिसे हम कहते हैं इनकंसिस्टेंस एनालिसिस प्रॉब्लम। ये देखो कैसे क्या चीज है एग्जैक्टली, ये कहता है कि वन ट्रांजेक्शन रीड वेरिएबल बट बिफोर कमिटेड बाय अनदर ट्रांजेक्शन। भाई इसके अंदर क्या है कि एक वेरिएबल है जिसे दो ट्रांजेक्शन यूज कर रही है, बट पहली ट्रांजेक्शन उसे क्या कर रही है, रीड कर रही है, कब, पहले ही, कब पहले ही का मतलब कब, कि जब दूसरी ट्रांजेक्शन उसे कमिट करती उससे पहले ही पहली ट्रांजेक्शन उसे रीड करे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इनकंसिस्टेंस एनालिसिस की प्रॉब्लम आती है। एग्जांपल देखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ट्रांजेक्शन T1 एंड T2 है हमारे पास। देखो T1 ने क्या किया, टाइम T1 के अंदर रीड किया वेरिएबल A को, ठीक है, A की वैल्यू मान ली यहाँ पे 10 थी। देन टाइम T2 में ट्रांजेक्शन T1 ने क्या किया, वेरिएबल B को रीड किया, B की वैल्यू थी 20। अब देखो अब क्या हुआ, CPU उसके पास चला गया, तो T2 ट्रांजेक्शन ने क्या किया, टाइम T3 पे राइट करी वैल्यू A की, इसने कुछ अपडेट कर दिया और A की वैल्यू 10 से 50 कर दी है, ठीक है, 10 से 50 कर दी है। अब T4 ने उसे कमिट कर दिया, कमिट का मतलब होता है कि अपने डेटाबेस के अंदर जाके वो चीज़ सेव हो गई है, अब इसको हम रोल बैक नहीं कर सकते अगर कोई एरर भी आ जाए तो। अब यहाँ पे क्या होता है कि टाइम T5 में दोबारा से इधर आया तो ऐड करना है A प्लस बी को, ए के अंदर वैल्यू क्या जाएगी बच्चों, 50 जाएगी या 10 जाएगी, गाइस 10 जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसको रीड नहीं कर रहा, रीड तो ऑलरेडी कर चुका है, अगर दोबारा से रीड कर रहा तो हम कहते हैं हाँ अपडेटेड वैल्यू को रीड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि दो रीड, एक जो रीड कर रहा था पुरानी वैल्यू को रीड कर रहा है और यहाँ पे कमिटेड हो चुका था, तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू जो लेगा 10 लेगा और यहाँ पे 20 वैल्यू 30 आएगी, आनी कितनी चाहिए थी हमारे पास 50 प्लस 20 70 आनी चाहिए थी, तो ये क्या हुआ, इनकंसिस्टेंसी आ रही है यहाँ पे, तो जिसे हम क्या कहते हैं कि इनकंसिस्टेंस एनालिसिस हो रही है, कि होना कुछ चाहिए था वैल्यू कुछ आ रही है, क्यों, क्योंकि एक ट्रांजेक्शन एक वेरिएबल को जो यूज कर रही है उसने दूसरी ट्रांजेक्शन के कमिट से पहले ही उसे यूज कर लिया, क्योंकि दूसरी ट्रांजेक्शन भी सेम वेरिएबल को यूज कर रही थी, तो इस वजह से हमने कहा इनकंसिस्टेंस एनालिसिस की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हमारे पास। ठीक है गाइस, तो ये था हमारे पास ये प्रॉब्लम। अगली लास्ट प्रॉब्लम हम करेंगे फैंटम रीड प्रॉब्लम, देखेंगे क्या होती है। बच्चों अब हम देखेंगे जो हमारे पास सिक्स प्रॉब्लम है फैंटम रीड प्रॉब्लम, ये क्या, ये कहती है देखो कि दिस प्रॉब्लम अकर्स व्हेन ट्रांजेक्शन रीड सेम वेरिएबल फ्रॉम द बफर एंड रीड इट अगेन लेटर बट इट फाइंड्स इट डज नॉट एग्जिस्ट। ये कहता है कि एक ट्रांजेक्शन है जिसने भी कुछ रीड किया एक वेरिएबल को, बट कुछ देर बाद आके दोबारा से रीड करती है तो देखती है कि भाई वहाँ पे वो जो थी हमारे पास वेरिएबल वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, फैंटम रीड प्रॉब्लम। देखो कैसे होता है कि दो ट्रांजेक्शन है हमारे पास T1 एंड T2, ठीक है, T1 सबसे पहले आया, टाइम T1 लगा लीजिए, तो उसने इसको रीड किया वेरिएबल A को, देन T2 आया उसने भी रीड किया, देन जब T1 आया दोबारा तो उसने क्या किया, वेरिएबल A को डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया, बट जब दोबारा T2 के पास गए हम तो वो रीड कर रहा, और रीड कर रहा तो उसने देखा कि भाई A तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्यों नहीं करता, भाई कहता है कि मेरे पास जो ट्रांजेक्शन थे उसके अकॉर्डिंग तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो अभी रीड किया ये रिसेंटली, तो ये गई कहाँ पे, उसको उसको नहीं पता चलेगा ना, क्यों, आइसोलेशन की वजह से एक ट्रांजेक्शन को दूसरी ट्रांजेक्शन का पता नहीं चलना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या वो सोचेगा मैं तो रीड अभी करके गया हूँ, मैंने तो कुछ डिलीट ही नहीं किया, तो यहाँ पे उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, अब ये सोचेगा कि आइसोलेशन ब्रेक हो रहा है, भैया कोई तो है जो मेरे इस वैल्यूज को क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है, या इसने क्या किया कि दूसरी ट्रांजेक्शन ने आके इंटरफेयर किया है, तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, फैंटम रीड प्रॉब्लम। ओके गाइस, तो ये था हमारे पास कि कॉन्करेंसी कंट्रोल की हमें जरूरत क्यों पड़ेगी, कि हमने ये जो प्रॉब्लम है ये देख ली है। अब आने वाली वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे शेड्यूल्स क्या होते हैं,
ताकि हम लोग धीरे धीरे आगे जाके जो कॉन्करेंसी कंट्रोल कैसे करनी है उसको समझेंगे। पहले शेड्यूल्स को समझना थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो शेड्यूल्स क्या होते हैं उसको देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।